चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको समझने का प्रयास करना है, सीखना है सब कुछ। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया, सिंपल से यहाँ पे पांचवा टर्म आपको बोला गया एपी का 20 है। भैया जी मैं फिर से बोल रहा हूँ, पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले खुद ट्राई करना है आपको। पहले क्वेश्चन को लिखोगे, क्वेश्चन को समझोगे, जैसे आपको समझ में आ जाएगा ना आप खुद बोलोगे अच्छा इसको एक बार हम ट्राई जरूर करेंगे। आप जब ट्राई करोगे भले ही गलती, हाँ गलती बन गया, चलो कोई गलती बनी गया, लेकिन उस गलती से आपको ऐसा सीख मिलेगा फिर दोबारा गलती नहीं होने वाला, विश्वास करो मेरा। आप एक बार जरूर प्रयास करना, आप प्रयास करोगे ऐसा उम्मीद है। और जान ये समझ के चलना, मैं पूरा ये सोच के चलता हूँ आप हर एक क्वेश्चन से पहले आप खुद उस पर अपना पूरा प्रयास करते हो, वो प्रयास आपको कहीं ना कहीं काफी आगे ले जाएगा, विश्वास करना मेरा, ठीक है। यहाँ देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसका पांचवा टर्म 20 है। भैया यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पांचवा टर्म जो है इसका 20 हो रहा है। अच्छा ठीक है, पांचवा टर्म 20 हो रहा है, क्या दिया हुआ, और ये दिया हुआ है कि द सम ऑफ 7th टर्म एंड 11th टर्म 64 है। अच्छा अच्छा, एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7th टर्म और 11th टर्म जो है 64 है। ये दो चीज आपको दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका आराम से ए और डी का मान निकलेगा। अगर अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक पहुंचो और आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, ठीक। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी का मान निकालना है, इसको खुद से सॉल्व करोगे। उम्मीद करते हुए खुद से सॉल्व होगा आपसे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप सॉल्व करके बोलोगे भैया मेरा सॉल्व हो चुका है, और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये देखने आए हैं आप सही बनाए कि ना बनाए हैं। देखो यहाँ पर ए फाइव कितना होगा, a प्लस 4d इक्वल टू 20 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर a7 a प्लस 6d, भैया ठीक है, a11 a प्लस 10d इक्वल टू 64 हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, a और a 2a हो गया, और 6 और 10 16d हो गया इक्वल टू 64। यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लेंगे तो a प्लस 8d इक्वल टू, मेरा यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक लो कॉमन ले लेते हैं। आप भी जो है ना कंफ्यूज कर जाओगे, फिर कौन समझाएगा आपको, a प्लस 8d इक्वल टू यहाँ 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो मेरा 32 हो गया, ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। आराम से इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट जैसे ही करेंगे हम लोग के सामने एक अभूतपूर्व परिवर्तन दिखने वाला। भैया वो परिवर्तन का नाम होगा क्या, ए खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, माइनस कर दिए, ये ए खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा 4d बचा है। अगर कैलकुलेशन में तनिक भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लियो, ऐसा नहीं भैया चले छोड़ रहे थे ना, अपने से बना लेंगे, एक क्वेश्चन के पीछे कौन दिमाग लगाएगा, वो काम सोचोगे फिर हो गया कल्याण आपका। यहाँ पर सॉल्व किया 12 हुआ, 12 में ये 4 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया मेरा 3 बच गया, डी का मान 3 हो गया। भैया इसे आसान और का ही हो गया, मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 निकल गया। बताइए इतना आसान था, और हमको बोला जा रहा था कि भैया ना ही बनेगा, अरे हमको नहीं आपको बोला जा रहा था, हम ये कब बोले ना ही बनेगा, बन जाएगा बोले थे। देखो यहाँ देखो, ध्यान से समझोगे आप, ठीक है, यहाँ लिखना होगा हैंस, क्या हो जाएगा, हेंस द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस ये छोड़ दें क्या, आप लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हो, छोड़ो ना, हेंस कॉमन द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 3 हो गया। यहां तक पहुंच गए हम लोग, कहीं कोई समस्या, कुछ समस्या नहीं होगा। अगेन 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 हम लोग